बालों की रूसी को झड़ने को दूर करने के लिए जो रूसी झड़ती है, आपने कई बार देखा हो सिर में हल्का सा ऐसे खुजाओ तो अगर आपने काले रंग के कपड़े पहने तो पाउडर पाउडर सा आ जाता है, या फर्श पर या आपको लगता है मेज पर गिर जाती है वो हल्के हल्के से पाउडर सा आपका निकलने लगता है। कायदे से जो आपका स्कैल्प है ये ऊपर से अपने डेड सेल्स को फेंक रहा है जिसे रूसी झरना बोलते हैं। अब इसके लिए क्या ऐसा करें कि पूरी स्किन क्लीन हो जाए, नीचे की स्किन पूरी तरह से सही बाहर आ जाए और रूसी झरना बंद हो जाए? तो आपको एक बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खा जो आप घर पे बना सकते हो वो बता रहा हूँ। आप 50 ग्राम नारियल का तेल लें और उसमें 2 गोली कपूर की डाल लें, कपूर जो आप पूजा में यूज करते हैं उसकी 2 गोली खोलें और उसमें 50 ग्राम तेल में मिला के उसको अच्छे से हिला दें। 2-4-5 मिनट हिलाने पे ही वो कपूर उसके अंदर घुल जाएगा अच्छे से। शीशी को टाइट बंद रखें, उसका कपूर जो है उसकी उड़ने की प्रवृत्ति होती है, वो उड़ जाता है। जब यूज करना है तभी शीशी खोलें और अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करें और उसको लगा रहने दें, आधा घंटा घंटे तक लगा रहने दें। उसके बाद साफ करना हो तो साफ कर सकते हैं या रात को लगा के सो जाएं और सुबह साफ कर दें। उससे क्या होगी, आपकी स्किन पूरी तरह से साफ हो जाएगी, रूसी जो है पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी और बालों को भी मजबूती देगा। नारियल भी आपके शरीर के लिए अच्छा है और कपूर भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद है और ये रूसी को पूरी तरह से साफ कर देगा।